हम सूजी को भून लेते हैं। यह हो गया है, इसे हम कटोरे पे शिफ्ट कर देते हैं। पहले हम घी डाल देते हैं। गरम होते ही दालचीनी और इलायची डाल देते हैं, और कुटी हुई बादाम और काजू डाल देते हैं कुटे हुई। और किशमिश डाल देते हैं। काजू बादाम को थोड़ा भून लेते हैं। अब हम किशमिश डालते हैं। इसे भी हम भून लेते हैं थोड़ा सा भून लेते हैं। अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये बन चुका है, अब ये कटोरी पर डाल देते हैं। इसी पैन में आधा लीटर दूध डाल के उबाल लेते हैं। इसे 2 मिनट उबलना छोड़ते हैं, हाई में रख लेते हैं। चलो चलो देखते हैं, दूध उबल गया है। अब हम सिम कर देते हैं और सूजी को डालते डालते थोड़ा मिक्स कर देते हैं। धीरे धीरे मिक्स कर देते हैं। हम सिम में पकाना है और कॉन्स्टेंटली स्टिर करना है। देखिए थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। देखिए, और आप शक्कर डालते हैं और कंटिन्यूसली स्टिर करते हैं करना है। अब थोड़ी देर इसे पकने देते हैं और मीटर को खोलते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत टाइट है, खुल गया यार। अब इसमें दो चम्मच मीट में डाल देते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। इसका स्वाद बहुत पसंद है। इसका स्वाद बहुत पसीना है। इसे हम कॉन्स्टेंटली स्टिर करना है और इसे बीच बीच में सॉरी बन जाता है। अभी हो गया है, अब तक है बुना हुआ काजू बादाम किशमिश। अच्छी खुशबू आ रही है यार। अभी ऑलमोस्ट हो गया है, अब हम इसे चख लेते हैं।
वाह स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। अब चूल्हा ऑफ कर देते हैं। ये हो गया है, ये हो गया है। अब हम करते हैं इसका प्लेटिंग से, हम थोड़ा वॉश कर देते हैं। अब ये हम क्लियर कर देते हैं और प्लेटिंग शुरू करते हैं। चलो ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाह शानदार खड़ा है, ये बहुत मजेदार है, इसे ट्राई करना लाजमी है। अब मैं इसे ट्राई कर देता हूँ, टेस्ट कर देता हूँ। बहुत मजा, ये तुम घर में ट्राई करना, ट्राई करो, बहुत डिलीशियस और बहुत मजेदार है।